नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट वन है बेटा वो हम आपको दे चुके हैं, अब इसका पार्ट टू बनाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन के इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता है अपना चल रहा था एल्केन बनाने की विधियां, और इसका पार्ट वन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। अपना मेन टॉपिक चल रहा था एल्केन्स। क्या चल रहा था? एल्केन्स यानी एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे थे कि नहीं? तो एल्केन बनाने की विधियां में वोल्टास अभिक्रिया हम आपको समझा चुके हैं। अब एल्केन बनाने की विधि में अब दूसरी रिएक्शन पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो हम क्या बना रहे हैं बेटा? एल्केन्स, यहां लिखे दे रहे हैं एल्केन्स बनाने की विधियां। तो एल्केन्स बनाने की विधियों में आप ये जान चुके हैं, अब पार्ट वन देख लीजिएगा बेटा, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एल्केन्स जानते हैं आप, जिनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि दो गुने से दो अधिक। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का सबसे पहले अपन कथन लिखेंगे कि इस कथन में क्या बोला गया है, फिर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। देखिएगा इसका कथन, जो वोल्टास अभिक्रिया थी ना सेम उसके जैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां था क्या? ईथर, और यहां क्या आ जाएगा? स्वस्थ ईथर। तो यहां लिखेंगे हम इसके कथन में, जब किसी एल्केल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए वोल्टास अभिक्रिया में सेम था कि नहीं, बिल्कुल यही लाइन। जब किसी एल्केल हैलाइड को, वहां क्या था? ईथर की जगह यहां पर क्या आ गया है? शुष्क ईथर। वहां ईथर अकेला था, यहां क्या आ गया? शुष्क ईथर, मतलब ड्राई ईथर कहलाता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक, मतलब ZN, आप जानते हैं जिंक के साथ गर्म करते हैं, तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्योंकि एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं तो क्या मिलेंगे अपन को? एल्केन बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का कथन। क्या हुआ बेटा? जब किसी एल्केल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। इसे कौन से अभिक्रिया बोला जाएगा? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सेम, बिल्कुल वोल्टास अभिक्रिया के जैसे ही है। कैसे? देखिएगा, वहां पर भी एल्केल हैलाइड था, यहां पर भी एल्केल हैलाइड है, वहां केवल ईथर था, यहां क्या है? शुष्क ईथर, अर्थात ड्राई ईथर, ठीक। और वहां सोडियम धातु थी, यहां पर कौन सी धातु है? जिंक। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसा कि हमने आपको बताया था एल्केल हैलाइड पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, फिर से देख लो। एल्केल मतलब होता है R, और हैलाइड को अपन दर्शाते हैं X से। तो एल्केल में एल्केल समूह क्या क्या आ सकता है? CH3, C2H5, ऐसे बढ़ता जाएगा, मैथेल, एथेल, प्रोपेल, ब्यूटेल। और X मतलब हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु में कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये बन गया अपना एल्केल हैलाइड, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लेंगे और जिंक धातु के साथ गर्म कर देंगे तो एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। अब एल्केन आप जानते ही हैं, एल्केन मतलब
इनका सामान्य सूत्र क्या रहेगा, सी एन एस टू एन प्लस में टू। यानी कि यदि हम n का मान मान के चलिए दो ले रहे हैं तो यहाँ 2n, 2 का 2 में इंटू हो जाएगा तो 4, 4 प्लस 2 6, यानी दो गुने से इसका दो गुना किया 4 और दो अधिक कर दो बेटा तो हो जाएगा 6, C2H6 यानी एथेन। इस टाइप से एल्केन प्राप्त हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिएगा। तो एल्केल हैलाइड में एक उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी ले, जैसे हमने लिया एल्केल में हमने लिया है यहां पर क्या CH3 और हैलाइड में हमने लिया, चलिए मान के चलो आयोडीन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। तो मेथिल आयोडाइड ले लिया, एल्केल हैलाइड का एक यौगिक हुआ, और इसको किसके साथ गर्म करना है, जिंक के साथ। तो यहां पर हमने क्या लिखा, जिंक ZN, और इसके हम लेंगे दो यौगिक बेटा, मेथिल आयोडाइड के कितने यौगिक लेंगे, दो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई को हमने आगे कर दिया और CH3 को कहां कर दिया, पीछे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये भी मेथिल आयोडाइड है, ये भी क्या है, ये भी मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड, ठीक। और यहां उपस्थिति किसकी लेनी है आपको, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है और जिंक धातु के साथ गर्म करना, ये है जिंक धातु, ठीक है। तो देखिएगा क्या बनेगा, अब आप ये जब बात जानते होंगे कि जेड एन जो होता है 2+ चार्ज देता है, जबकि आयोडीन 1- चार्ज देता है कि नहीं। तो यहां पर इस पर 2+ चार्ज है ही पहले से, और यहां पर कितने चाहिए थे हमें, दो आयोडीन, यदि 2+ चार्ज है तो 2- चार्ज होना चाहिए, इसलिए यहां पर इसके यौगिक हमने कितने लिए हैं, दो, ताकि यह जिंक धातु दो आयोडीन से माइनस चार्ज प्राप्त कर सके। यानी इसके पास 2+ चार्ज ऑलरेडी पहले से ही है जिंक के पास में, और आयोडीन 1- चार्ज और 1- चार्ज, तो कितने माइनस चार्ज हो जाएंगे, 2- चार्ज। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर देंगे, यानी इतना पार्ट जो है वो गर्म करने पर निकल जाएगा। तो क्या निकला है अपना, जेड एन आई टू, यहां लिख दे रहे हम जेड एन आई टू निकल गया, एक जिंक और दो आयोडीन। होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो प्लस टू चार्ज है ना वो यहां आ जाता है, तो जेड एन आई टू ये निकल गया, बचा क्या आपका CH3, एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो CH3 ये, यानी कि CH3 इसको हम कह सकते हैं, देखो दो कार्बन तो C2 और तीन और तीन 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 भी लिख सकते हैं। यानी ये क्या मिल गया हमें, एथेन, क्या मिला बेटा, एथेन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन को देखकर, जब किसी एल्केल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। अच्छा, वोल्टास अभिक्रिया में सम संख्या वाले एल्केन मिल रहे थे, परंतु इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सम संख्या वाले ही मिले, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मिलेंगे आपको एल्केन, ये गारंटी है। उदाहरण के तौर पर एक और देखें बेटा, देखिएगा, देखिए एल्केल हैलाइड का जैसे हमने एक और यौगिक लिया, अब हम लेंगे एल्केल हैलाइड, लिखा तो एल्केल समूह से हमने लिया मान के चलिए C2H5, एल्केल हैलाइड में हमने लिया चलिए क्लोरीन, यानी ये अपना क्या है एथेल, ये क्या है इतना एथेल, और ये क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है तो अंत में आइड लग जाते हैं, यानी कि एथेल क्लोराइड। तो एथेल क्लोराइड ले रहे हैं, एल्केल हैलाइड का यौगिक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है और जिंक धातु से गर्म करना है। तो ये हमने ली भाई जिंक धातु, और इसके आपको दो यौगिक लेने हैं एल्केल हैलाइड की, यानी कि एथेल क्लोराइड की। तो यहां हम क्या करेंगे, क्लोरीन को कर देंगे आगे और एथेल को कर देंगे पीछे,
ये कर दिया। और यहां हम उपस्थिति लेंगे किसकी, शुष्क ईथर की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिंक जो है 2+ चार्ज देता है और क्लोरीन 1- चार्ज देता है, तो 2+ चार्ज इसके पास पहले से है और यहां पर 1- चार्ज और 1- चार्ज, यानी कितने हो गए 2- चार्ज, तो यानी कि ये इतना पार्ट आपका निकल जाएगा। बना क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, ये अपना निकला इतना ZnCl2, दो क्लोरीन एक जिंक, तो क्या निकल गया ZnCl2। बचा क्या आपका C2H5, है ना, और इसमें क्या जुड़ जाएगा C2H5, यानी कि ये कितना मिला अपन को, इसमें आप देखो 4 कार्बन हो गए आपके, 10 हो गए हाइड्रोजन। 4 कार्बन के लिए क्या बोला जाता है, ब्यूट, और इस एल्केन का योग है तो सफिक्स क्या जुड़ जाएगा एन, यानी कि क्या मिला हमें ये ब्यूटेन, और ये जिंक क्लोराइड निकल गया, ये जिंक क्लोराइड और ये क्या है अपना ब्यूटेन। तो इस प्रकार से फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से हम एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ क्या रहे बेटा, एल्केन्स बनाने की विधियां, जिसमें अपन बोटस अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब एल्केन्स जो अपन बनाएंगे वो बनाएंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। किसकी सहायता से एल्केन्स बनाएंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड रेडिएंट क्या होता है वो आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये जानें कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा बेटा कि एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अब एल्किल में आप आर ले सकते हैं, ठीक, मैग्नीशियम में मतलब मैग्नीशियम मतलब Mg, जानते ही हैं आप, हैलाइड में आप क्या लेंगे X, तो ये आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का क्या हो गया सामान्य सूत्र। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पर एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हम बनाते हैं। एल्किल में आपने लिया मान के चलिए CH3, मैग्नीशियम कंपलसरी है वो तो होना ही चाहिए, और एक्स में आप ले सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, जैसे आपने क्लोरीन ले लिया तो ये क्या बन गया मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या मिल गया हमें मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बन गया अपना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का यौगिक। तो आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से आप क्या बनाएंगे एल्केन। तो देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एल्केन कैसे बना सकते हैं। हम इसकी थ्योरी लिख दे रहे हैं, जब किसी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को जल या तनु अम्ल ले सकते हैं आप, तनु मतलब होता है बेटा पतला, अम्ल जानते हैं एसिड, है ना, जब किसी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को जल या तनु अम्ल के साथ गर्म करते हैं ना बेटा, गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं एल्केन। देखिए उदाहरण के तौर पर जैसा कि हमने आपको बताया था बेटा कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, R बॉन्ड में Mg बॉन्ड में X, पुल होता है कि नहीं, ठीक, तो R मतलब होता है एल्किल। अब एल्किल में हमने लिया C2H5, बॉन्ड में Mg बॉन्ड में X, Mg तो रहना ही है, X में हेलोजन परिवार से मान के चलिए हमने यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, इसका नाम क्या हुआ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
क्या नाम हुआ इसका, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम जल से रिएक्ट कराएंगे, यानी जल के साथ गर्म कर रहे हैं, ये गर्म का चिन्ह है। ठीक है, तो बेटा आप जानते हैं कि ये जो जल होता है H प्लस और OH माइनस आयनों में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं। तो यहां पर मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज देता है, तो इस मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमीन तो रहना ही है, ध्यान से देखिएगा, इस मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन रहेगा, हमने मैग्नीशियम लिखा, और मैग्नीशियम की संयोजकता होती है बेटा 2, यानी कि 2 बंध बनाता है। तो एक बंध उसका बना है किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। देखो मैग्नीशियम का एक बॉन्ड किसके साथ बना है, ब्रोमीन के साथ में, सॉरी मैग्नीशियम का एक बॉन्ड बना है ब्रोमीन के साथ में, और एक बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ में, OH के साथ में। तो ये बन गया, अब जो बचा है वो आप लिख दो। यहां पर H प्लस बचा था, तो H प्लस किससे जुड़ जाएगा, C2H5 से। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, C2H5, 5 थे हाइड्रोजन, 5 की जगह कितने हो जाएंगे K जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6, यानी ये अपना बन गया एल्केन का यौगिक, इसका नाम क्या है, एथेन। ठीक, और ये वाला पार्ट निकल जाएगा अपना, ठीक है ना बेटा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपको यदि एल्केन प्राप्त करने हैं तो उसकी 3 विधियां हमने आपको बताई हैं। आप वोल्टास अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, और गर्गनार्ड अभिक्रमक से। तो आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। Peace.